हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू अनदर हॉल। यस, फेस्टिव हॉल की तो बाहर आई हुई है अभी मेरे चैनल पे। तो आज मैं लेके आई हूँ मिंत्रा फेस्टिव वियर हॉल, जिसमें आपको सारे आउटफिट्स मिलने वाले हैं, थोड़े अफोर्डेबल बट द बेस्ट क्वालिटी के। दे आर लाइक 10/10 और इवन 11/10। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ज्यादा इंट्रोडक्शन को लंबा नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती आप लोग ज्यादा ऐसे टाइम पास वाला खेलो। जल्दी से मुद्दे पे आते हैं। ओके, चलो सबसे पहले तो है वो आउटफिट जो मैंने पहना था अपने करवा चौथ पे, जो कि मिंत्रा से ही लिया था मैंने, वो लहंगा चोली जो था। तो मैंने सोचा आप लोग को वो एक ऐसे पास से भी दिखा देते हैं एक बार। सो दिस वॉज द लहंगा जो मैंने पहना था। ये ना ऐसे कॉटन सिल्क फैब्रिक में है। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड ये मुझे कुछ अराउंड 2000 या 2500 के आसपास का पड़ा था। मैं प्राइसेस यहाँ पे डाल दूंगी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है गाइस, सीरियसली। एंड ये है इसका ब्लाउज, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये गैस का फ्रंट जो पहना हुआ था वो तो आपने काफी सारे रील्स देख लिए होंगे मेरे अब तक। एंड ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा है प्लेन जॉर्जेट जिस पे ऐसे लेस लगाई हुई है, बहुत प्यारा है। और ये है ऑल अबाउट यू ब्रांड का, ओके, इन जस्ट इन केस आप लोगों को जानना हो। सो दिस इज द ब्रांड फ्रॉम दीपिका पादुकोण, तो ये मैंने उस ब्रांड का लिया है। काफी गुड ऑसम क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी में बोलने वाली थी बट गुड क्वालिटी बोलना इनफ नहीं होगा, इट इज ऑसम गाइस, सीरियसली। तो इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ गुड लहंगा काइंड ऑफ अ थिंग एंड स्टिल एकदम ट्रेडिशनल नहीं है, बिकॉज इट हैज अ स्ट्रेपी ब्लाउज विद अ वी नेक, इट इज अमेजिंग गाइस, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब बाकी के जितने भी हैं सारे के सारे कुर्ता सेट्स हैं एंड दैट टू अनारकली। यस, आई डोंट नो व्हाई आई लव सो मच ऑफ द अनारकली सूट्स। मुझे स्ट्रेट सूट्स इतना पसंद नहीं आते हैं, अनारकलीज आर लाइक माय गो टू थिंग, पता नहीं क्यों, तो इसीलिए चलो। और ये जितने भी सारे प्रोडक्ट्स अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, दे आर ऑल फ्रॉम लिबास। यस, तो लिबास इज माई ट्रस्टेड ब्रांड, जो कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड नहीं, अगेन ऑसम क्वालिटी प्रोडक्ट देता है अफोर्डेबल रेंज में। ओके, अभी तो उसने मतलब लाइक लिबास हैज अ लग्जूरियस रेंज ऑल्सो, जिसमें 10,000 प्लस के भी सूट्स रहते हैं या फ्यूजन वेयर रहता है, बट दे आर स्टिल वेरी अफोर्डेबल फॉर द फेस्टिव सीजन। इवन आप शादी का अपना जो रहता है ना कपड़ों का कलेक्शन आप इससे बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेरे पास ये वाला सेट, दिस इज इन द शेड मिंट ग्रीन कलर है ये, और ये कॉटन फैब्रिक में है। ओके, ऐसे आप देख सकते हो इस पर ऐसे पूरा ये लेस वर्क है, ये पूरा ऐसे फॉइल वर्क है एंड जो फैब्रिक है ना ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, बट अगर आप ऐसे डिजाइन से समझ पाओगे तो आपको समझ में आएगा, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा इस पैटर्न को क्या बोलते हैं। एंड ये है इसका नेक, लेट मी जस्ट क्विकली फ्लिप द टैग। ये है इसका नेक, ठीक है, एंड बैक पे भी पूरा ऐसे आपको फॉइल प्रिंट वाला मिलेगा एंड बहुत ही हैवी है ये, ठीक है, और फुल ऑन घेर है, और आपको नीचे घेर पे भी ये लेस वाला डिजाइन मिल जाता है, और ये मेरे हाइट के लिए फुल लेंथ आएगा आई एम श्योर। ऑल दो मैंने अभी तक ये लहंगा छोड़ के कुछ भी इसमें से ट्राई नहीं किया है, जस्ट अभी मैंने ये सारे पार्सल्स ओपन किए हैं तो मैं बस आपको दिखा रही हूँ, तो मुझे भी नहीं पता अभी अंदर से और क्या क्या निकलने वाला है। लाइक मुझे नहीं पता था इसमें लाइनिंग है, बट इसमें कॉटन की ही लाइनिंग है विच इज ऑसम। सो दैट्स दैट, यू गेस का कुर्ता। अब बात करते हैं इसके बॉटम में क्या है। उससे पहले मैं ये अपने जेवरात उतार देती हूँ, बिकॉज इसमें हिलग रहे हैं और धागे खिंच जाएंगे सूट्स के, राइट। चलो अब बात करते हैं इसमें हमारे पास बॉटम में क्या है। तो बॉटम में है हमारे पास एक प्लाजो, जिसमें अगेन नीचे ऐसे ये दिया हुआ है लेस पैटर्न, बाकी का पूरा प्लेन है, कॉटन फैब्रिक है अगेन, एंड इसमें पॉकेट भी है। एक साइड है कि दोनों साइड है? दोनों साइड है गाइस, बट अनारकली में ना मेरे को लगता है पॉकेट्स आर यूजलेस, बिकॉज वो फुल लेंथ है, आप उसको उठा के थोड़ी ना पॉकेट में कुछ डालोगे या निकालोगे, यू कैन नॉट डू दैट इन अ पब्लिक प्लेस। तो थोड़ा नहीं मतलब कारीगर नहीं है वो चीज, काम नहीं आती है, बट स्टिल इट इज गुड टू हैव। बाई चांस कभी इमरजेंसी में कुछ हो, लाइक इवन अगर आप वॉशरूम यूज कर रहे हो देन इट इज अ यूजफुल थिंग आई सपोज। चलो अब ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी एकदम कॉटन फैब्रिक में है, इस पे छोटा छोटा फॉइल प्रिंट दिया हुआ है, अगेन अमेजिंग।
ये एक ऐसा शेड है जो जनरली आप नहीं लेते हो, ठीक है? मिंट ग्रीन है, लाइट शेड है, ये जनरली आपको नहीं मिलेगा ऐसे फेस्टिव वेयर में। बहुत ही यूनिक और स्पेशल कलर लग रहा है ये मेरे को, तो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू वियर इट। एंड मैं जहाँ तक है ना, इसको दिवाली में दिन में पहनूंगी, ओनली इफ इट फिट्स मी राइट नाउ। मुझे पता नहीं ये फिट होने वाला है या नहीं। वैसे मैंने इसमें कौन सा साइज लिया है, लेट मी सी, इट इज एल। ओके, एल है, तो जनरली मैं मीडियम टू लार्ज के बीच में, दीज डेज आई एम इन बिटवीन। तो किसी ब्रांड का मीडियम आता है, किसी का लार्ज आता है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और किसी ब्रांड का कुछ भी नहीं आता। लाइक मुझे याद है पिछले टाइम जो मैंने फेस्टिव हॉल किया था मिंत्रा का, उसमें से काफी सारे आउटफिट्स ऐसे थे जो मुझे फिट ही नहीं हुए। मेरे को सारे ना इंडो एरा या सांग्रिया करके एक ब्रांड है उसके थे, एंड मीडियम टाइट हो रहा था और लार्ज बहुत लूज हो रहा था, तो आई हैड टू रिटर्न ऑल ऑफ देम। तो या ऐसा भी हो जाता है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। अगेन एक दिन में पहनने वाला कलर है मेरे पास, इट्स अ लाइट येलो शेड। ये भी जो सूट है पूरा कॉटन में है, एंड लुक एट दैट, ये है इसका गले पे डिजाइन। एंड अगर आप स्लीव की बात करो तो ये है पूरा कॉटन में है, ऐसे सेल्फ प्रिंट है, फॉइल प्रिंट है, लेस लगा हुआ है, इट इज फुल ऑन फेस्टिव गाइस। मुझे ना स्पेशली जो इसके गले, जनरली वैसे मैं ये सामने गले वाले आपने मेरे कोई आउटफिट नहीं देखा होगा, मैं नहीं ही पहनती हूँ, इट डजंट सूट माई बॉडी टाइप। ओके, लाइक आई एम अ शॉर्ट हाइटेड पर्सन, तो ये वाले जो होते हैं ना, दे बेसिकली मेक यू मोर लाइक शॉर्टर, ठीक है? तो आई एम लाइक कि देखते हैं कि ये मेरे को होगा या नहीं होगा। अच्छा जी, दिस आई हैव ऑर्डर्ड इन मीडियम एंड दिस आई हैव ऑर्डर्ड इन एल। व्हाई आई डिड दैट, व्हाई? अच्छा नहीं, ये भी मीडियम ही है, उसमें दुपट्टे पे एल लिखा हुआ है यार, बाकी आउटफिट पे मीडियम लिखा है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम लिबास, बट देखेंगे ट्राई करने में क्या होता है। वेल, तो ये सारे मीडियम आउटफिट्स हैं, लार्ज नहीं है, ठीक है? चलो अभी ये जो है इसका बात करें, ये भी अनारकली है, ऑब्वियसली मैंने बोला सारे अनारकली है। इसमें बढ़िया घेर दिया हुआ है, पूरा कॉटन में है, एंड इसमें भी ना साइज में से ये जो छेद छेद वाला पैटर्न है जो उसमें था वो इसमें भी है। इसको क्या बोलते हैं मुझे अब भी नहीं याद आ रहा है, तो प्लीज अवॉइड दैट। आपको पता है तो आपको पता है, मुझे नहीं याद आ रहा है अभी, ठीक है? चलो अभी फिर नीचे भी ऐसे लेस दिया हुआ है, ये सिमिलर काइंड ऑफ मैं बोलूंगी दोनों आउटफिट्स लग रहे हैं। ऑल द पिक्चर में नहीं लग रहे थे इतने सिमिलर, बट दे आर वेरी सिमिलर फैब्रिक डिजाइन पैटर्न एंड एवरीथिंग। लुक एट दैट, लेस में भी ना शेड्स आर लाइक पिंक ग्रीन, उसमें है मिंट ग्रीन के लिए, इसमें भी पिंक ग्रीन एंड येलो है। तो ओके, वी विल सी, डेफिनेटली ये दोनों तो शायद ही मैं रखूंगी, बिकॉज एक से और रखने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, बट इट इज वेरी गुड, ठीक है? अब बात करते हैं इसके बॉटम की, तो बॉटम में अगेन सिमिलर पैटर्न है, पलाजो है विद दिस लेस डिजाइन ऑन द फ्रंट, बैक में प्लेन है। एंड इसका दुपट्टा कहाँ गया, वेट, ओके, दुपट्टा अभी तक इसमें ही है। दुपट्टा डिफरेंट है, दुपट्टा इसमें शिफॉन का दिया हुआ है विद अगेन द लेस एंड द फॉइल प्रिंट एंड एवरीथिंग, विच इज नाइस, आई लाइक इट। चलो अच्छा, अगर एमआरपी की बात करें तो इस वाले की एमआरपी कितना है, येलो वाले की एमआरपी है 6500 गाइस, बट आई हैव नॉट पेड दैट मच। मुझे जितना याद आ रहा है दीज ऑल वर लाइक 60-70% ऑफ में थे, और आज मेरी सारी मुझे तंग कर रही है, तो इग्नोर। ओके, नेक्स्ट आउटफिट, आज बड़ा मुश्किल हो रहा है गाइज, ये अनारकलीज ना बहुत स्पेस लेते हैं यू नो, तो बस उसमें हो रहा है प्रॉब्लम, ऊपर से साड़ी अलग प्रॉब्लम कर रही है। सी, पिन लगा हुआ है वहां पे, ठीक है? उसके बावजूद ये इतना तंग कर रही है मेरे को। चलो एनीवे, नेक्स्ट है, वाओ, दिस इज, आई लाइक दिस वन, ये बंदेज प्रिंट पे है, इट्स नॉट बंदेज, इट इज बंदेज प्रिंट। ओके, एंड साइड में ऐसे लहरिया प्रिंट का लगा दिया इन्होंने, एंड नेक की बात करें तो लुक एट दैट। मैंने इस बार सारे ऐसे ही वाले ऑर्डर कर लिए हैं, इवन मैंने रियलाइज नहीं किया था जब मैं ऑर्डर कर रही थी। एंड अगर बात करें इसकी घेर की, तो काफी अच्छा घेर है, फैब्रिक रेयन है। इसका प्राइस देखें, अगर प्राइस के हिसाब से ये सिमिलर प्राइस में है तो फिर प्राइस ओके, इट इज फॉर 5000, उस हिसाब से फैब्रिक इज नॉट वर्थ इट गाइस। मैं सीधा सीधा आपको बताऊंगी, मेरे को ज्यादा वो नहीं करना है कि मैंने ले लिया है तो भाई अब अच्छा ही बोल दूं, बट
जेन्युइनली फैब्रिक इज नॉट वर्थ 5000, इवन पैटर्न इज नॉट वर्थ 5000. नॉर्मल गोटा लगाया हुआ है, ये प्रिंट तो आपको नॉर्मली भी मिल जाएगा. रही गले की बात, तो यार 5000 का तो नहीं है सीरियसली. चलो अभी इसके बॉटम में क्या है, इसके बॉटम में वो लहरिया प्रिंट जो बाजू पे दिया हुआ था ना स्लीव पे एंड पे, उसी प्रिंट का है. एंड प्लाजो है, यहाँ पे नीचे गोटा लगा हुआ है, पूरा ऐसे है प्लेन लहरिया प्रिंट में. या एंड ये भी अगेन मीडियम है, मैंने सारे मीडियम ही ऑर्डर किए होंगे सर. एंड इसका दुपट्टा अच्छा है, सी दुपट्टा इज वेरी नाइस फैब्रिक. इसका दुपट्टे का नेट काइंड ऑफ है. अच्छा इसके भी दुपट्टे पे एल लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई. वेल चलो ठीक है जो भी है. तो ये पूरा जो है ऐसा है दुपट्टा, नेट का है विद दिस सुरोस्की वर्क. सुरोस्की नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं इसको गाइस, अगेन स्लिप ऑफ माइंड हो गया चीजें, आज मैं ज्यादा ही ब्लंडर कर रही हूँ. खैर जो भी है, चलो फाइनली बात करेंगे हम द स्टार ऑफ द शो की. ये आउटफिट मैंने सबसे एंड के लिए बचा के रखा था बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस गाइस. चलो इसका ना मैं नीचे से दिखाना शुरू करूंगी, बॉटम में क्या है, दुपट्टा क्या है, कुर्ता सबसे लास्ट में दिखाऊंगी, सस्पेंस बनाना चाहिए ना थोड़ा सा. चलो ये तो है इसका दुपट्टा गाइस, लुक एट दैट, इट इज सच अ नाइस वन. बहुत ही सूदिंग कामिंग सा, मतलब फेस्टिव है बट ओवरडन नहीं है. ठीक है तो दिस इज नाइस, लेस इसमें दिया हुआ है एंड बीच में ऐसे ये वाला पैटर्न दिया हुआ है. ठीक है पूरे दुपट्टे पे एंड नीचे एजिस पे ऐसे ये भी लगा दिया है इन्होंने लटकन्स. एंड साड़ी ना करने नहीं देगी काम मुझे, समझ में आ रहा है. चलो उसके बाद इसके बॉटम में है शरारा स्कर्ट. ओके एक होता है शरारा जो वैसा लगता है स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट जाके यू फैल जाता है, वो ये स्कर्ट लगेगा आपको पहनने के बाद. वैसे बीच में पार्टीशन है इसमें बट पता नहीं चलेगा, इट इज काइंड ऑफ अ स्कर्ट. ठीक है एंड ये मजेंडा पिंक शेड में है विच इज ऑसम. एंड ये जो फैब्रिक है दैट इज जॉर्जेट एंड अंदर लाइनिंग है इसमें, लाइनिंग इज ऑफ रेयन, जो अच्छी खासी मोटी लाइनिंग है विच इज गुड. एंड अब बात करते हैं मेन प्रोडक्ट की इसमें से. बाय द वे दिस वन इज रिटेल्ड फॉर 7500 गाइस. यस इट्स नॉट अफोर्डेबल बट मैंने डिस्काउंट में लिया है. ठीक है चलो अब दिखाते हैं. लुक एट दैट, ये जॉर्जेट की स्लीव है, स्लीव का पूरा काम दिया हुआ है. ठीक है बैक में नहीं है, बैक में हाँ नहीं है, बूटी वर्क ज्यादा नहीं है, मतलब एक दो ही बूटीज है बस, बाकी फ्रंट में ही है जितनी भी है. और यहाँ पे लेस है एंड ये आ गया इसका नेक एंड अगेन द सेम स्लीव. फिर ये बूटी बूटी बूटी, बैक में भी बूटी बूटी बूटी. यहाँ पे इन्होंने जो है ना ये वेस्ट लाइन को कट करने के लिए जो दिया है दैट इज अगेन एक ये बहुत अच्छा दिया है. एंड ये है इसका नीचे का पोर्शन विच इज लाइक, मैं कैसे समझाऊँ आपको, मैं ना इसका पहना हुआ पिक्चर या तो यहीं पर डाल दूंगी गाइस, या कोई क्लिपिंग अगर मैं डाल पाई तो डाल दूंगी, नहीं तो आप शॉर्ट जरूर चेकआउट करना. दिस इज ऑसम, जब आप नीचे स्कर्ट पहनोगे ना और ऊपर से ये आएगा तो ये ना आपको बहुत प्यारा सा वो दे देगा लुक. ठीक है ये ऐसे साइड में ओपन है एंड पूरा नीचे आएगा और पूरा ये ट्रांसपेरेंट जैसे जॉर्जेट का है, पूरा बूटी वर्क से भरा हुआ है. एंड जब आप नीचे पहुंचते हो तो नीचे आपको ये डिजाइन मिलता है विच इज लाइक, मतलब ये ना एकदम ऐसे ब्राइडल आउटफिट है. ठीक है फेस्टिव तो है ही बट ये ब्राइडल आउटफिट है, कोई भी न्यू ब्राइड है ना वो इसको इजीली कैरी कर सकती है एंड शी इज गोइंग टू लुक अमेजिंग ब्यूटिफुल गॉर्जियस राइट. तो यस मेरे सबसे ज्यादा हाई होप्स इसी वाले आउटफिट से है. लेट्स सी हाउ दिस लुक्स ऑन मी, पहनने के बाद फिट होता है या नहीं होता और कैसा लगता है मेरे ऊपर. बिकॉज जनरली मैं सच बताऊँ तो ऐसे आउटफिट्स मेरे पर्सनैलिटी पर नहीं जाते हैं बिकॉज ऑफ द हाइट एंड एवरीथिंग. बिकॉज ये सब जो आउटफिट्स बने होते हैं ना दे आर लाइक जनरल हाइटेड के हिसाब से बने होते हैं एंड आई एम अ शॉर्ट पर्सन, तो इसीलिए फिर इसमें ना इन डिजाइन में स्कोप तो होता नहीं है कि आप इसको ऑल्टर करा लो. तो इसीलिए लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस आउटफिट गाइस, पर्टिकुलरली दिस वन. सो यस विद दैट आवर मिंत्रा हॉल इज डन. आई होप आपको सारे आउटफिट्स पसंद आए हो.
अगर अच्छे लगा है ये वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक नहीं किया है। ये वीडियो काफी रॉ हो गया गाइज, आई डोंट नो वाई, मैं सिर्फ वैसे बैठी नहीं थी कि इतना रॉ बनाऊंगी मैं वीडियो, मैं तो प्रॉपरली ही बैठी थी, बट होता है ना कभी कभी आप शुरू करते हो तो वो होता जाता है, बस वो वाला चीज हो गया आज मेरे साथ। एक तो ये साड़ी तंग कर रही है, इसमें भी थोड़ा सा हो गया है, आई नो, ठीक है। चलिए अब मिलती हूँ मैं जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मजे कीजिए, फेस्टिविटीज के मजे उठाइए, अपने घर को डेकोरेट कीजिए, अपने आप को डेकोरेट करने के लिए सामान ऑर्डर कीजिए, जैसे मैंने आपको दिखा दिया आउटफिट्स, कोई भी आउटफिट आपको पसंद आ रहा है तो जस्ट ग्रैब इट, दीज आर ऑल ऑन अ स्टील डील्स राइट नाउ, ओके, तो खरीद लो जाके फटाफट से दिवाली पे पहनने के लिए। और मैं मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई लव यू ऑल सो मच, बाय।